बल्दियाती इदारों की गफलत के बाइस आवारा कुत्तों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहर भर में आवारा कुत्तों की अफजाइश में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बल्दियाती इदारे आवारा कुत्तों के हवाले से खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि सिंध सरकार की जानिब से आवारा कुत्तों को ख़त्म करने के हवाले से बल्दियाती इदारों को दिया गया फंड सब डब्बे की नज़र किया जा रहा है। मेडिकल ज़राए के मुताबिक सिर्फ कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान में सग गजीद के वाकयात में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। के इलेक्ट्रिक की बेहिसी, कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुआहिदे में तौसी के बाद के इलेक्ट्रिक की बदमाशी उरूज पर पहुंच गई। शहरियों की रातों की नींदें हराम, आए रोज़ बिजली बिलों में इजाफे, नाम नेहाद टैक्सों की भरमार के बावजूद बिल अदा करने वाले अजियत में मुबतला। वज़ीर आज़म समेत अरबाब इख्तियार से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर के इलेक्ट्रिक को लगाम देने का मुतालबा जोर पकड़ गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची तजावुजात केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज तजावुजात केस की समाअत होगी। अदालत ने केस में मुतालिका हुक्काम से शहर में रफाही प्लाटों और दीगर इलाकों से तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। दूसरी जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हफ्तावार इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन करने का ऐलान किया है। ऑपरेशन का आगाज़ सदर लाइट हाउस, MA जिना रोड और बोल्टन मार्केट से होगा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ SHO महमूदाबाद मुतहरिक हो गए। चनीसर गोठ जबल चौक के करीब से स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वज़ दो मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में सुभान वल्द गुलाम अकबर और शहराज वल्द मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से दो गैर कानूनी TT पिस्तौल और दीगर सामान समेत गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने दर्जनों वारदातों का एतराफ़ किया है। गिरफ्तार मुलजिमान क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल हैं। मुलजिमान इससे पहले महमूदाबाद और दीगर थानों से गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। SHO महमूदाबाद एजाज अहमद खान ने मुलजिमान के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कार्रवाई के लिए तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। न्यू कराची सेक्टर 5D काला स्कूल के करीब फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी। जख्मी होने वाले शख्स को चीप एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त तारिक हुसैन वल्द कमालुद्दीन, उम्र 60 साल।